दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ नोकिया X7, या आप बोल सकते हो नोकिया 8.1। और सही बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही सॉलिड फ़ोन है ये। इतना सॉलिड है कि इसके सामने किसी का भी टिकना बहुत मुश्किल है, चाहे वो हमारा रेडमी नोट 6 प्रो या हो ऑनर 8X। जितना सॉलिड ये फ़ोन है, इसके सामने ये दोनों नहीं टिक सकते। बस एक बहुत बड़ी कमी देखी है मैंने इस फ़ोन में, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले हम करेंगे जल्दी से अनबॉक्सिंग, उसके बाद दूंगा मैं आपको आंसर आपके क्वेश्चंस का जो आपने मुझसे पूछे हैं इस फोन से रिलेटेड। तो अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले आपको बस एक क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे। क्या अब आपको लग रहा है कि नोकिया पहले की तरह वापस आएगा? कमेंट्स में बताना मुझे, और हैशटैग गिज़्मोगन लगाकर कमेंट करना, और ये रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ये है बॉक्स दोस्तों नोकिया X7 का, यहाँ लिखा गया है नोकिया X7 और यहाँ लिखा हुआ है नोकिया। अब इंडिया में इस फोन का नाम क्या होगा वो देखने वाली बात है। अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग इस फोन का नाम इंडिया में हो सकता है नोकिया 8.1। बाकी दोस्तों जो भी नाम कंफर्म होगा, चाहे वो हो 8.1 या हो नोकिया 7.1 प्लस, आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। बॉक्स की बैक साइड पे बाकी सब डिटेल्स हैं इस डिवाइस के बारे में, लेकिन यहाँ सब लिखा हुआ है चाइना की लैंग्वेज में। अगर आपको चाइनीज़ आती है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको सब बताने वाला हूँ क्या आपको इसमें मिलते हैं और क्या नहीं मिलता। पहले हम जल्दी से फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा नोकिया 8.1। अभी के लिए हम इसको यहाँ रख देते हैं और देख लेते हैं बॉक्स में और क्या आपको मिलता है। यहाँ है हमारा सबसे ऊपर सिम इजेक्टर टूल। अगर मैं इस बॉक्स को बाहर निकालता हूँ तो इसके नीचे यहाँ बैक कवर आपको मिलता है। तो ये नोकिया ने बहुत अच्छा काम किया। इससे पहले जो दोनों फ़ोन आए थे नोकिया के, चाहे वो हो X5 या हो X6, दोनों के साथ हमको बैक कवर नहीं मिलता था। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये बॉक्स देखते हैं अब इसमें क्या है। यहाँ एक तो है ये चार्जर और साथ में USB-C टाइप केबल। ये है दोस्तों इसका चार्जर, और ये एक फास्ट चार्जर है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और साथ में USB-C टाइप डेटा केबल। दोस्तों इस केबल की जो क्वालिटी है, सच में दोस्तों ज़बरदस्त क्वालिटी है इस केबल की। तो ये कंटेंट है बॉक्स में। अब हम रखते हैं सब साइड में और देखते हैं डिवाइस। पहली बार दोस्तों जब आप इस फ़ोन को हाथ में लोगे तो आपको सच में लगेगा कि आपने कोई सॉलिड डिवाइस पकड़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी है इस फ़ोन की। साइड में ये जो एल्युमिनियम का फ्रेम है, ये काफ़ी सॉलिड बना रहा है इस फ़ोन को। ये फ़ोन हाथ में लेते ही आपको याद आएगी नोकिया 7 प्लस की। वो फ़ोन भी हाथ में लेते ही इतना सॉलिड लगता था। अब ऑनर 8X की आपको पता है कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन इसके सामने ये भी कम लग रहा है। अगर आप नोकिया का ही पहले वाला फ़ोन देखो, नोकिया 6.1 प्लस, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। वो भी इतना प्रीमियम नहीं लगता था हाथ में लेकर। बैक साइड पे आपको ग्लास मिलता है, 2.5D कर्व ग्लास है फ्रंट और रियर दोनों साइड पे। तो फ़ोन में ही आपको कह सकता हूँ काफ़ी प्रीमियम है। जब आप इसको हाथ में लोगे तो आप खुद ही ये फील कर पाओगे। इसको देखकर लगता है कि कुछ टाइम तक हमारा पहले वाला नोकिया वापस आ सकता है। राइट साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रोकर्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे दी गई है सिम कार्ड ट्रे, और ये एक हाइब्रिड सिम ट्रे है। या तो आप इसमें ड्यूल सिम लगा सकते हो या एक सिम एक SD कार्ड। ऊपर की साइड है हेडफोन जैक और सेकेंडरी माइक्रोफोन। नीचे है स्पीकर ग्रिल, USB-C टाइप पोर्ट और मेन माइक्रोफोन। कॉर्नर इस फोन के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, राउंड कॉर्नर्स हैं। बैक साइड पे आपको मिलता है यहाँ ड्यूल कैमरा, 12+13 MP f/1.8 अपर्चर के साथ। अब यहाँ खास बात यह कि एक तो यहाँ आपको मिलते हैं जिस ऑप्टिक लेंस, दूसरा ये आता है 1.4 माइक्रोन पिक्सल साइज के साथ। तो ऑन पेपर तो इसका कैमरा काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। कैमरा यहाँ थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ कैमरा लेंस के चारों ओर आपको मिल रहा है एल्युमिनियम का फ्रेम, और उसी के नीचे है फिंगरप्रिंट स्कैनर। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको ईयरपीस मिलता है, और साथ में मिलता है 20 MP का कैमरा f/2.0 अपर्चर के साथ। डिस्प्ले यहाँ आपको नॉच वाला मिलता है, लेकिन जो नॉच यहाँ आपको दी गई है काफ़ी बड़ी यहाँ आपको नॉच दी गई है, और जो बेजल्स हैं फ़ोन के वो भी थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। नीचे की चिन भी आप देख सकते हो, नोकिया की ब्रांडिंग भी यहाँ दी गई है। यहाँ दोस्तों जो नोकिया का 6.1 प्लस था, उसका फ्रंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। आप बताओ क्या आप एग्री करते हो मेरी बात से? ऊपर पोल में बताना मुझे। नॉच भी उसकी छोटी थी और बेजल्स भी उसके थोड़े से कम थे इसके कंपैरिजन में। ऑनर 8X से भी आप कंपेयर कर सकते हो कितनी छोटी नॉच है इसमें, और बेजल्स भी काफ़ी कम है। 6.18 इंच का FHD+ डिस्प्ले है यहाँ पर। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी इसमें दी गई है। और दोस्तों यहाँ खास बात एक और है, इसमें आप HDR कंटेंट भी इंजॉय कर सकते हो। ये फ़ोन सपोर्ट करता है HDR10, ये भी एक बहुत बड़ी बात है इस प्राइस के हिसाब से। यहाँ मैंने एक चीज़ और नोट की है, इस फ़ोन में आपको YouTube वीडियोस देखते हुए नॉच परेशान नहीं करेगी। वीडियो इतना ही प्ले होगा जितना कि आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों नोकिया का 8.1। इंडिया में जब ये फ़ोन आएगा आपको मिलेगा एंड्रॉयड 1 का सपोर्ट। ये इंटरफेस आपको मिलता है इसका। दोस्तों यहाँ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों मिलते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं किस तरह से ये काम कर रहे हैं। पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर देख लेते हैं।
तो ये टैप करते ही अनलॉक हो जाता है। काफ़ी फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर हम चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक, पावर बटन अनलॉक, पावर बटन, मतलब उतना फास्ट नहीं कह सकते हम, लेकिन काम ये अच्छे से कर रहा है। आजकल हम काफ़ी फास्ट फेस अनलॉक देख चुके हैं, तो हमको ये थोड़ा स्लो लग रहा है। जो आजकल के फेस अनलॉक आ रहे हैं उनमें हमें लॉक स्क्रीन नहीं दिखती है, सीधा पावर बटन प्रेस करते ही फ़ोन अनलॉक हो जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो पावर बटन प्रेस करने के बाद लॉक स्क्रीन आती है, फिर फ़ोन अनलॉक होता है। अच्छी बात यह है कि आंखें बंद हैं अगर आपकी तो ये फेस अनलॉक काम नहीं करेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710, जो कि ज़बरदस्त प्रोसेसर है कंप्यूटर पे। बैटरी आपको इस फ़ोन में मिलती है 3500 mAh की, तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो प्रोसेसर है इसका वो काफ़ी पावर एफिशिएंट है। ड्यूअल 4G वोल्टी भी ये डिवाइस सपोर्ट करता है, एक साथ आप 2 JioSIM भी चला सकते हो। अब हम एक बार इसका कैमरा इंटरफेस देख लेते हैं। ये इंटरफेस है। पोर्ट्रेट मोड आपको यहाँ मिलता है फ्रंट और रियर दोनों कैमरास के लिए, और यहाँ आपको मिलता है लाइव बुके का ऑप्शन, मतलब पिक्चर क्लिक करते हो या बैकग्राउंड ब्लर सेट कर सकते हो कितना आपको चाहिए। ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे। रियर कैमरा से आप 4K तक वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, और फ्रंट कैमरा यूज़ करके फुल HD तक की आप वीडियो कैप्चर कर पाओगे। इसके कैमरा के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इसके फुल रिव्यू में। और एक चीज़ और मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर से कैमरा ऑन रखा हुआ है तो यहाँ थोड़ा वार्म हो गया है फ़ोन बैक साइड से। एक बार हम टेम्परेचर चेक करते हैं इसका कितना है, तो यहाँ दोस्तों ये 40 डिग्री तक दिखा रहा है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखते हैं कितनी देर तक हमने यूज़ किया है, तो जितनी देर आपने देखा है उतनी देर ही मैंने बस कैमरा ऑन किया है, आपको रियर कैमरा दिखाया और फ्रंट कैमरा दिखाया है। इतनी देर में 40 डिग्री तक जाना मुझे लगता है बहुत ही गलत है, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा नोकिया को। फ्रंट से हम चेक करते हैं एक बार, फ्रंट से ये है 37 डिग्री के आसपास। तो इतना देख के मुझे लग रहा है ये फ़ोन हीट हो सकता हैवी गेमिंग पे। बाकी मैं आपको सब बताऊंगा फुल रिव्यू में इसके बारे में, अच्छे से टेस्ट करने के बाद। उससे पहले ये कैमरा सैंपल्स आप देख लो एक बार। तो अभी तक तो इसका कैमरा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस मुझे अब टेंशन है हीटिंग की। अब देखना ये होगा, अगर हम एसफल्ट 9 या पबजी कंटिन्यू खेलेंगे तो इस फ़ोन का क्या होगा, टेम्परेचर इसका कहाँ तक जाएगा। इससे पहले मैंने रियलमी 2 प्रो और ऑनर एट एक्स का टेस्ट किया था, उसमें मैंने 10 मिनट तक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की थी फ़ोन की, और 20 मिनट तक की थी गेमिंग। तो 30 मिनट तक यूज़ करने के बाद भी उसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक नहीं गया, और इसमें बिना कुछ किए बस कैमरा ऑन करने से ही 40 डिग्री हो गया, ना ही मैंने पिक्चर क्लिक की और ना ही की वीडियो रिकॉर्डिंग, बस आपको कैमरा इंटरफेस दिखाया और कोई यूज़ नहीं किया। तो मुझे ये बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है इस फ़ोन की। अब देखना ये होगा नोकिया इसको कैसे लेता है, किस तरह से इसको ठीक करता है। इसको ठीक करना नोकिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद देखो अगर ये सर्दियों में 40 डिग्री जा सकता है तो गर्मियों में ये कहाँ तक जाएगा, ये सोचने वाली बात है। चलो अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो आपने मुझसे पूछे हैं। क्या रियलमी 2 प्रो से बेटर होगा नोकिया 7.1 प्लस? देखो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, परफॉर्मेंस में भी काफ़ी फ़र्क है और बिल्ड क्वालिटी में तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है रियलमी 2 प्रो के कंपेरिजन में। बाकी दोस्तों प्राइस में इन दोनों के काफ़ी फ़र्क होने वाला है, तो ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते इनको, अपनी अपनी जगह पे ये दोनों ही बेस्ट हैं। अगर आप नोकिया 8.1 का कंपैरिजन देखना चाहते हो रियलमी 2 प्रो या ऑनर एट एक्स के साथ, तो ऊपर पोल में बताना मुझे। नोकिया में सुपर स्लो मोशन वीडियो है, देखो इसमें स्लो मोशन मूवी तो कैप्चर आप कर सकते हो, लेकिन सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं है। क्या बैक कैमरा में OIS है? बिल्कुल आपको इसमें मिलते हैं OIS रियर कैमरा के लिए। 24,000 का यह फ़ोन लेना सही है क्या? देखो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 24 का नहीं मिलेगा, इससे कम में मिलेगा। और कितने में आप ये ले सकते हो, कितने में ये वैल्यू फॉर मनी है, वो मैं आपको बताऊंगा अपने फुल रिव्यू में। ऑन पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको कह सकता हूँ कि 20-21,000 में ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, बाकी आप फुल रिव्यू का वेट कर लीजिए। टैग कोशाल जी पूछते हैं कि भाई रियलमी 2 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, आप मुझे सजेशन दो क्या नोकिया का ये फ़ोन बेस्ट है कि रियलमी 2 प्रो? देखो ये अगर आप कंपेयर करते हो रियलमी 2 प्रो से तो ये काफ़ी अच्छा आपको फ़ोन लगेगा रियलमी 2 प्रो के कंपेरिजन में। कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ इसका बेस्ट है, बस हीटिंग का मुझे डाउट है, वो मुझे टेस्ट करना होगा। ब्रदर आपको क्या लग रहा है, नोकिया फिर से पहले वाली नोकिया बन सकती है क्या? मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि नोकिया फिर से पहले वाली नोकिया बन चुकी है, थोड़ी बहुत कमी है वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। सैमसंग A7 2018 या नोकिया 7.1 प्लस? देखो दोनों ही काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो मैं नोकिया के साथ जाऊंगा। नोटिफिकेशन LED लाइट है क्या? ये आपको इसमें नोटिफिकेशन LED लाइट नहीं मिलती, आपको इसमें मिलता है एम्बियंट डिस्प्ले। जब आप फ़ोन को इस तरह से पिक करोगे इस तरह से डिस्प्ले आपको दिख जाएगा, यहाँ नोटिफिकेशन आप देख सकेंगे। Asus ZenFone 5G वर्सेस नोकिया 8.1 कैमरा विच विल बेटर ऑप्शन? देखो ये मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, बाकी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है Asus ZenFone 5Z के फ्रंट कैमरा से।
रियर कैमरा अगर हम देखते हैं तो दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑन पेपर तो, और जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ स्ट्रॉन्ग लग रहा है नोकिया का। 7 प्लस की भी प्राइस कम होगी क्या 6.1 की तरह? बिल्कुल प्राइस कम जरूर होगा 7 प्लस का। भाई क्या ये फ़ोन X6 की तरह किसी भी पॉकेट में आ जाएगा? देखो उससे ये थोड़ा सा तो बड़ा है, उतना कॉम्पैक्ट मैं नहीं कह सकता इसको जितना कि था X6, थोड़ा सा बड़ा आपको ये मिलता है। रियलमी से ये हाइट में थोड़ा सा छोटा है लेकिन X6 से ये बड़ा है। नॉच में नोटिफिकेशन लाइट है क्या? और वीडियो कब आएगा? देखो वीडियो तो आ गया आपके लिए और नॉच में नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी क्योंकि नॉच इसमें काफ़ी बड़ी दी गई है। भाई रेडमी Y2 कैसा है? देखो अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, उस प्राइस पे वो बेस्ट कैमरा फ़ोन है। अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। भाई प्राइस क्या रहेगी, और फ्लिपकार्ट पे आएगा या अमेजोन पे? देखो ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कहाँ आएगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है ये आपको फ्लिपकार्ट मिल सकता है। पहले भी दोनों फ़ोन नोकिया के फ्लिपकार्ट ही आए थे, और जो प्राइस है वो मेरे अकॉर्डिंग 20-21 हज़ार के आसपास होना चाहिए। सर ऑनर व्यू 10 और एसएस जेनफोन 5Z, प्रायोरिटी कैमरा एंड बैटरी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसएस जेनफोन 5Z ऑनर व्यू 10 के कंपैरिजन में। इसमें OS कौन सा है? इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो। नोकिया 7.1 प्लस में FM रेडियो है क्या? बिल्कुल आपको उसमें मिलता है FM रेडियो। नोकिया 7.1 और 7.1 प्लस का प्राइस क्या होगा, और क्या नोकिया का कोई फ़ोन आएगा 15-16 हज़ार की रेंज में बढ़िया स्पेक्स के साथ? जहाँ तक प्राइस की बात है तो जो 7.1 है उसका प्राइस मैंने सुना था नोकिया थोड़ा ज़्यादा रखने वाला है इस फ़ोन के कंपैरिजन में। बाकी अभी प्राइस कंफर्म नहीं हुआ कि कितना आएगा। और जहाँ तक बात है 15-16 हज़ार वाले फ़ोन की, तो अभी तक तो ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं आने वाला। जैसे ही कुछ कन्फर्म होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। भाई इसमें TFT डिस्प्ले होगा या IPS? तो डिस्प्ले इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, IPS डिस्प्ले है और HDR10 का सपोर्ट भी है, तो डिस्प्ले को लेकर कोई भी शिकायत आपको नहीं होने वाली इससे। नोकिया X7 की प्राइस चाइना में 18,000 के आसपास है, पर इंडिया में जो प्राइस लीक हुई है वो है 24,000। तो आपको क्या लगता है इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है? देखो ये प्राइस गलत है जो सामने आई है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे हुआ था X6 के टाइम पे ज़्यादा प्राइस सामने आई थी लेकिन आया था वो कम का। इस बार भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होने वाला है, जो हम सोच रहे हैं उससे कम ही प्राइस इसका आएगा इंडिया में। पोको F1 नोकिया 7.1 प्लस, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस बैटरी कैमरा? पोको F1 प्राइस ज़्यादा है और इस प्राइस पे हमको स्नैपड्रैगन 845 मिल सकता है, तो हम कौन सा फ़ोन लें? देखो 845 तो आपको मिल जाएगा लेकिन जब आप दोनों फ़ोन को देखोगे और हाथ में लोगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है। अभिषेक यादव जी पूछते हैं नोकिया X7 की 4GB 64GB की प्राइस कितनी होगी? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 20 हज़ार के आसपास ये हो सकता है, 20-21 हज़ार के आसपास। दूसरा क्वेश्चन है इनका, नोकिया X7 और वीवो V11 Pro दोनों में से कैमरा किसका बेस्ट होगा, रियर और फ्रंट दोनों नोकिया X7 का? तीसरा क्वेश्चन है क्या इसके बैक कैमरा में OIS है? बिल्कुल आपको इसमें मिलते हैं OIS। सर नोकिया X7 में हम पोको लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप कैमरा सैंपल अच्छे से दिखाना और गेमिंग भी अच्छे से, फुल रिव्यू में सब कवर करूंगा मैं। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि जो सैमसंग का गैलेक्सी A7 है उसको ये टक्कर दे सकता है? बहुत अच्छे से ये टक्कर दे सकता है उस फ़ोन को, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्या ये एक अच्छा कैमरा फ़ोन होगा या नहीं? देखो फ्रंट और रियर अभी तक तो मुझे इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं है कि ये अच्छा कैमरा फ़ोन बन सकता है। प्रभु दत्ता जी ने 6 क्वेश्चन पूछे हैं, एक एक करके मैं आपको आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन है क्या इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है? यस आपको मिलती है प्रोटेक्शन। दूसरा क्वेश्चन है चार्जिंग को लेकर, क्या इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है और बॉक्स में ही फास्ट चार्जर है? यस इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है और चार्जर भी आपको बॉक्स में ही मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या इसमें नॉच हाइट करने का ऑप्शन है? नहीं आपको इसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता। फोर्थ क्वेश्चन है क्या इस मोबाइल को हम स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? यस कर सकते हैं लेकिन सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं है। क्या ये फ़ोन का कैमरा नोकिया 6.1 प्लस से बेटर है? बहुत ज़्यादा बेटर है उस फ़ोन से इस फ़ोन का कैमरा। इसमें LED नोटिफिकेशन लाइट है? नहीं इसमें आपको LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती। भाई इसमें स्पीकर क्वालिटी कैसी है अभी चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना बहुत अच्छा, मैं इसको नहीं कह सकता और ना ही मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लाउड है, नॉर्मल है ये। सर रेडमी नोट 5 प्रो के रियर ड्यूल कैमरास फेक है ना? नहीं ऐसा तो नहीं है। नोकिया 7.1 प्लस की बैटरी कितने mAh है? 3500 mAh। क्या इसमें फेस अनलॉक होगा?
देखो जो चाइना वाला वेरिएंट है उसमें तो है फेस अनलॉक, इंडियन वेरिएंट में होगा या नहीं होगा वो अभी कहना मुश्किल है। क्या इसमें फ्रंट फ्लैश है? ना ही आपको मिलती है फ्रंट फ्लैश और ना ही मिलता है स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन। भाई नोकिया 7.1 प्लस में स्नैपड्रैगन 710 है, तो क्या ये चिपसेट का आप मीडियाटेक P60 के साथ स्पीड टेस्ट कर दोगे? मैं ट्राई करूंगा लाने की आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है इस वीडियो में क्योंकि मुझे वो टेस्ट करने के बाद उनका आंसर देना है। फुल रिव्यू में मैं सब कवर करूंगा। कमेंट्स में बताना आपको और क्या चाहिए फुल रिव्यू में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।